गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स। तो आज यहाँ में हम लोग अरुणाचल सिविल सोसाइटी का ये सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो लास्ट 22 अगस्त 2023 को हम लोग यहाँ पे आए थे और आके हम लोग प्रेस ब्रीफिंग कर किया था। तो उसका सब्जेक्ट था कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी को हम लोग दो रिप्रेजेंटेशन लेटर दिया था। तो एक तो था हम लोग का रिगार्डिंग फी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट बीएड कॉलेज। तो हम लोग का कहना ये था कि कंप्लेन था कि यहाँ में हमारा स्टेट में जितना भी ये बीएड कॉलेज है उन लोग का फी स्ट्रक्चर जो है एक्सऑर्बिटेंट था और यूनिफॉर्मिटी नहीं था। तो जहाँ तक कि गवर्नमेंट से ऑलरेडी उन लोग को नोटिफिकेशन दे के रखा है कि फी स्ट्रक्चर 70,000 पर एनम से आप लोग एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ऐसा एक नोटिफिकेशन इशू होने का बावजूद भी कहीं कहीं कॉलेज में करीबन 2,00,000, 1,50,000 ऐसा लेता था। तो उसको हम लोग आरटीआई डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके थ्रू आरटीआई हम लोग गवर्नमेंट को लेटर लिखा था। तो उसको रेस्पॉन्स करके एजुकेशन डिपार्टमेंट खास करके कमिश्नर आमजेद ताक सर हम लोग को बहुत रेस्पॉन्स किया है। समय तो थोड़ा लगा है, लगभग 6 महीना, लेकिन आज का दिन में एक नोटिफिकेशन उन लोग इशू कर दिया। उस नोटिफिकेशन में मैं सभी बीएड एस्पायरेंट स्टूडेंट को भी बता दूं कि फॉर एनम 90,000 से आप लोग का एक्सिट नहीं ले सकते कोई भी, क्योंकि 2016 में जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें 70,000 था। तो अभी रिव्यू मीटिंग करके उन लोग एक कमिटी हम लोग का एसीएस का जो एसीएस का डिमांड को फुलफिल करके अभी उन लोग द्वारा रेट 20,000 बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। तो डेट रीच टू 90,000। तो इसलिए मैं सभी बीएड स्टूडेंट जो आने वाला एकेडमिक सीजन आप लोग का जो 2024-25 से जो भी एडमिशन फी लेगा कोई भी कॉलेज विद इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपसे 90,000 से ज़्यादा फीस नहीं ले सकता है। तो इसलिए हम लोग का फर्स्ट नोटिफिकेशन कॉपी भी है और आप लोग का अपना अपना कॉलेज में भी पहुंच गया होगा बीएड कॉलेज में ये है। और ये इस अचीवमेंट के लिए हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट खास करके कमिश्नर एजुकेशन को हम लोग एक्नॉलेजमेंट देने आया है। तो हम लोग का जो इशू को आप फुलफिल किया है, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा हम लोग का जो सेकेंड हम लोग का जो लेटर था चीफ सेक्रेटरी को रिगार्डिंग इश्यूज ऑफ लोन टू द एपीएसटी नॉन एपीएसटी बाय नॉट मेंटेनिंग द प्रॉपर गाइडलाइंस सच एज मॉर्टगेज ग्रांटर, ऐसा मतलब उन लोग नहीं मेंटेन नहीं करके बहुत सारे लोग को नॉन एपीएसटी को लोन इशू किया था। तो हम लोग उसको रिपेयर भी किया था कि एक बार 2005 में एपेक्स बैंक कोलैप्स हो चुका था, बाई देन क्या किया, उसको कैसे रिवाइव किया आप सब जानता है। एनएचपीसी से 200 करोड़ लोन लेके रिवाइव करके चला रहा है, फिर अभी ऐसा रिपीट करेगा तो फिर डूबेगा बोल के हम लोग एसीएस बहुत सीरियस उसको हम लोग टेकअप किया था। तो अभी उन लोग का जो रिस्पॉन्स हम लोग को ये बता रहा है कि एज ऑफ नाउ दे आर मेंटेनिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। तो उधर में उन लोग रजिस्टर भी कर चुका है, एपेक्स बैंक ऑलरेडी रजिस्टर करके एज पर आरबीआई गाइडलाइंस में उन लोग अभी लोन डिस्बर्समेंट कर रहा है। तो दूसरा बात जो है उन लोग को ये क्वार्टरली उन लोग को अभी अकाउंटेंट आरबीआई से भेज के अपडेट कर रहे हैं। और जो हम लोग जो उसमें क्लेम किया था नॉन एपीएसटी को विदाउट प्रॉपर ग्रांटर मॉर्गेज अब क्यों लोन दिया बोल के बात किया, तो अथॉरिटी का कहना है कि दैट वॉज प्रियर टू 2005, उसमें जो दे चुका था उसका रिकॉर्ड है, अभी नया नहीं दे रहा बोला है, उसको भी रिकवर हो रहे बोला है। तो ये 2 पॉइंट अभी हम लोग जो दिया था, दिस 2 पॉइंट जो हम लोग का एसीएस का जो अभी हम लोग अचीव कर सका है जस्ट बिकॉज ऑफ योर कोऑपरेशन और ये अथॉरिटी का कोऑपरेशन से हम लोग हुआ है, तो उसके लिए एक्नॉलेजमेंट देने आया है। और दूसरा बात जो है अभी अफ्टर ये गवर्नमेंट जॉब अभी इलेक्शन आने वाला है, गवर्नमेंट जॉब सेटअप हो जाएगा तो हम लोग एसीएस जो है हेल्थ का हम लोग इशू को हम लोग टेकअप करेंगे, क्योंकि हेल्थ में आप हम सब देखा है कि हमारे स्टेट में न्यूरोलॉजिस्ट कम है, न्यूरोसर्जन कम है, उसका कारण से पेशेंट को रिपेयर करके
करते हुए रास्ता में भी डेथ हो जाता है, उसको हम लोग रोकना है। तो इसको अभी हम लोग इलेक्शन एमसीसी लगा हुआ है, अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट तो हम लोग ACS एक दो इशू बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।